श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको गरुड़ पुराण के हिसाब से बताएंगे जो गरुड़ पुराण में वर्णन है 36 प्रकार के नरक होते हैं और किस पाप का क्या सजा दी जाती है और कैसे दी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पुराने के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहां देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वहां स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नरक भेजा जाता है जहां उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। देखिए आज के डेट में अगर हम आपको ये सब बातें कहेंगे तो आपको हंसी आएगी, पर जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो हमारे गरुड़ पुराण में है और सिर्फ गरुड़ पुराण में नहीं है। आप जब इस्लाम में जाएंगे तो वहां भी जो दोजक है जो जहन्नुम है वहां भी इसका जिक्र है। तो हम जो कह रहे हैं वो सब धर्मों में किसी ना किसी तरह से बताया गया है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ में 36 तरह के मुख्य नरकों का वर्णन किया गया है। अलग अलग कर्मों के लिए इन नरकों में सजा का प्रावधान भी माना है और बनाया गया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और कठोपनिषद जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। आज हम आपको उन नरकों के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। पहला है महाविची। यह नरक पूरी तरह से रक्त यानी खून से भरा हुआ होता है और इसमें लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। जो लोग गाय की हत्या करते हैं उन्हें इस नरक में यातना भुगतनी पड़ती है। फिर है कुंभी पाक। इस नरक की जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी हुई होती है। जो लोग किसी की भूमि हड़पते हैं या ब्राह्मण की हत्या करते हैं उन्हें इस नरक में आना पड़ता है। फिर है रौरव। यहां लोहे के जलते हुए तीर होते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इन तीरों से बींधा जाता है। फिर है मंजूस। यह जलते हुए लोहे जैसी धरती वाला नरक है। यहां उनको सजा मिलती है जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं या कैद में रखते हैं। फिर है अप्रतिष्ठ। ये पीर मूत्र और उल्टी से भरा हुआ नरक होता है। यहां वे लोग यातना पाते हैं जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं या सताते हैं। फिर है विलिपक। ये लाख की आग से जलने वाला नरक है। यहां उन ब्राह्मणों को जलाया जाता है जो शराब पीते हैं। फिर है महाप्रभ। इस नरक में बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर होता है। जो लोग पति पत्नी में फूट डालते हैं, पति पत्नी के रिश्ते तोड़वाते हैं वे यहां इस तीर में पिरोए जाते हैं। फिर है जयंती। यहां जीवात्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान से नीचे दबाकर सजा दी जाती है। जो लोग पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं वे यहां लाए जाते हैं। फिर है शालमली। ये जलते हुए कांटों से भरा हुआ नरक है। जो औरत कई पुरुषों से संभोग करती है वह जो व्यक्ति हमेशा झूठ और कड़वा बोलता है, दूसरे के धन और स्त्री पर नजर डालता है, पुत्र वधु पुत्री बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाता है, वह वृद्ध की हत्या करता है, ऐसे लोग यहां पे लाया जाता है। फिर है महारौरव। इस नरक में चारों तरफ आग ही आग होती है जैसे किसी भट्टी में होती है। जो लोग दूसरे के घर खेत खलिहान या गोदाम में आग लगाते हैं उन्हें यहां जलाया जाता है। फिर है तामिश्रण। इस नरक में लोहे की पट्टियां और मुगदरों से पिटाई की जाती है। यहां चोरों को यातना मिलती है। उसके बाद है महातामिश्र। इस नरक में जोंके भरी हुई होती है जो इंसान का रक्त चूसती है। माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। फिर है असी पत्रवन। यह नरक एक जंगल की तरह है जिसके पेड़ों पर पत्तों की जगह तीखी तलवारें और खड़ग हैं। मित्रों से दगा करने वाले इंसान इस नरक में गिराए जाते हैं। फिर है करंब बालू का। यह नरक एक कुएं की तरह है जिसमें गर्म बालू रेत और अंगारे भरे हुए हैं। जो लोग दूसरे जीवों को जलाते हैं वे इस कुएं में गिराए जाते हैं। फिर है काकोल। यह पिप और कीड़ों से भरा हुआ नरक है।
जो लोग छुप छुप कर अकेले ही मिठाई खाते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, वे इस नर्क में लाए जाते हैं। फिर है कुडमल, यह मूत्र पीव और विष्ठा से भरा हुआ होता है। विष्ठा मतलब उल्टी। जो लोग दैनिक जीवन में पंचयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते हुए इस नर्क में जाते हैं। फिर है महाभीम, यह नर्क बदबूदार मांस और रक्त से भरा हुआ होता है। जो लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिनका शास्त्रों में निषेध बताया गया है, वे लोग इस नर्क में गिरते हैं। फिर है महावट, इस नर्क में मुर्दे और कीड़े भरे हुए हैं। जो लोग अपनी लड़कियों को बेचते हैं, वे लोग यहां पे लाए जाते हैं। देखिए, आपको पूरा फैंटेसी जैसा लग रहा होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, पर ये पूरा उसमें उल्लेख है गरुड़ पुराण में, और गरुड़ पुराण को आप गलत साबित नहीं कर सकते हो। तो ये है, पर ये सब चीजें आपके मरने के बाद इस जिंदगी में तो नहीं है, पर आजकल कलयुग में सारी चीजें मिल जाती है, कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार से मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है तिल पाक। यहाँ दूसरों को सताने, पीड़ा देने वाले लोगों को तिल की तरह पेरा जाता है। जैसे तिल का तेल निकलता है, ठीक उसी तरह। फिर है तेल पाक, इस नर्क में खोलता हुआ तेल भरा हुआ है। जो लोग मित्रों या शरणागतों की हत्या करते हैं, वे यहां इस तिल में तले जाते हैं। फिर है वज्र कपाट, यहां वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी हुई है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं, वे यहां पर प्रताड़ना पाते हैं। फिर है निरुच्छवास, इस नर्क में अंधेरा है, यहां वायु नहीं होती। जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं, अगर कोई दान दे रहा है और आप उसमें विघ्न डाल रहे हैं, तो उनको यहां पर फेंक दिया जाता है। फिर है अंगारोपच, यह नर्क अंगारों से भरा हुआ है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं, वे यहां पे जलाए जाते हैं। फिर है महापाई, यह नर्क हर तरह की गंदगी से भरा हुआ है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहां पर औंधे मुंह गिराए जाते हैं। फिर है महाज्वाल, इस नर्क में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं, वे इसमें जलाए जाते हैं। फिर है गुड़ पाक, यहां चारों ओर गर्म गुड़ के कुंड हैं। जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं, वे इस गुड़ में पकाए जाते हैं। फिर है क्रकच, इस नर्क में तीखे आरे लगे हैं। जो लोग ऐसी महिलाओं से संभोग करते हैं जिसके लिए शास्त्रों में निषिद्ध है, वे लोग इन्हीं आरों से छीले जाते हैं। फिर है छूरधार, यह नर्क तीखे उस्तरों से भरा हुआ होता है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहां से काटे जाते हैं। फिर है अम्बरीश, यहां प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, वे इस आग में जलाए जाते हैं। फिर है वज्र कुठार, यह नर्क वज्रों से भरा हुआ है। जो लोग पेड़ काटते हैं, वे यहां लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। तो कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, ऐसे ही पेड़ काटना गलत है कि उससे हमारी पर्यावरण पूरी गड़बड़ हो जाती है। फिर है परिताप, यह नर्क भी आग से जल रहा है। जो लोग दूसरों को जहर देते हैं या मधु या शहद की चोरी करते हैं, वे यहां पे जलाए जाते हैं। फिर है कालसूत्र, यह वज्र के समान सूत से बना है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं, वे यहां पे सजा पाते हैं। फिर है कश्मल, यह नर्क नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ होता है। जो लोग मांसाहार में ज्यादा रुचि रखते हैं, वे यहां पर गिराए जाते हैं। फिर है उग्रगंध, यह लार मूत्र और विष्ठा की अन्य गंदगियों से भरा हुआ है। जो लोग पितरों के पिंडदान नहीं करते हैं, वे लोग यहां पर लाए जाते हैं। फिर है दूधर, यह नर्क झोंक और बिच्छों से भरा हुआ होता है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नर्क में भेजे जाते हैं। फिर है वज्र महापिंड, ये 36वां और आखिरी नर्क है। यहां लोहे के भारी वज्र से मारा जाता है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, किसी प्राणी की हत्या करते हैं या उसे खाते हैं, दूसरों के आसन सैया और वस्त्र चुराते हैं, जो दूसरों के फल चुराते हैं, धर्म को नहीं मानते, ऐसे सारे लोग यहां पर लाए जाते हैं। तो धन्यवाद।
हालांकि आज की डेट में ये सब मानना बड़ा मुश्किल है और आपको बड़ी बकवास बातें लग रही होगी, पर हमारा फर्ज था आपको बताना, तो हमने आपको बताया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।